हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टोकरा बांध में 26 फीट पार गया गेट, दो दिन में हो जाएगा ओवरफ्लो। टोकरा बांध के बीच महादेव जी मंदिर पानी में समा गया। रेवदर उपखंड अधिकारी ने किया टोकरा बांध का निरीक्षण। माउंट आबू के पहाड़ों में मूसलाधार बारिश का दौर 3 दिन से जारी है। वहीं पहाड़ की गोद में बसा टोकरा बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। रेवदर उपखंड अधिकारी दुदाराम ने टोकरा बांध का निरीक्षण किया और बांध के बारे में पटवारी रेवय चिदान चारण ने जानकारी दी। वहीं उपखंड अधिकारी दुदाराम ने गेज मीटर और बांध के चारों ओर घूमकर पानी की आवक देखकर सिंचाई विभाग और अन्य विभागों को निर्देश दिए कि बांध की देखरेख जारी रखी जाए। टोकरा बांध में 26 फीट पार गेज पहुंचा है और लगातार पहाड़ों में बारिश जारी है। वहीं महादेव जी का मंदिर पूरी तरह से पानी में समा गया है। महादेव जी के ऊपर लगने वाली ध्वजा दिखाई दे रही है, बाकी पूरा मंदिर पानी में समा गया है। मंदिर को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मंदिर को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग सैकड़ों की संख्या में पूरे दिन आवागमन करते हैं। वहीं माउंट आबू की नक्की झील ओवरफ्लो से करोड़ी ध्वज बांध में 5 फीट के करीब पानी पहुंचा है। पानी और आवक तेजी से जारी है और लगातार पहाड़ों में बारिश का दौर भी जारी है। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।